वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल सैमटेक आफ्टर इफेक्ट। मैं हूं आपका टीचर सुमित। और चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के एक नई क्लास लेके आया हूं, क्लास 15। फ्रेंड्स, हम कीज के बारे में पढ़े थे, लीनियर कीज, स्मूथ कीज। आज फ्रेंड्स मैं आपको टॉगल की फ्रेम के बारे में बताऊंगा कि टॉगल की फ्रेम क्या है, टॉगल होल्ड की फ्रेम। तो फ्रेंड्स चलिए देर नहीं करते हैं, सीधे स्क्रीन पर हम इसको सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉम्पोजिशन में जाके न्यू कॉम्पोजिशन लेंगे और डिफॉल्ट सेटिंग के साथ इसे ओके कर देंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में टॉगल होल्ड की फ्रेम को सीखने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा स्टार का। तो फ्रेंड्स, एक स्टार मैंने डाउनलोड करा है, वो स्टार मैं यहाँ पर इंपोर्ट करा रहा हूँ और इस स्टार को मैं नीचे कॉम्प में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। फ्रेंड्स देखिए, ये एक छोटा सा ट्विंकलिंग स्टार है। ऐसा करते हैं कि इसमें मैं एक ग्लो ऐड कर देता हूँ जिससे ये थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। और फ्रेंड्स, आज की जो टाइमलाइन होगी वो 8 सेकंड की होगी। मैं आपको इतने में ये समझाऊंगा कि टॉगल होल्ड की फ्रेम का क्या काम है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस स्टार में कुछ एनिमेशन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होगी वो यहाँ पर ट्विंकलिंग करते हुए दिखना चाहिए, मेरा मेन मोटो यही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको एनिमेट करेंगे, ठीक है? यहाँ पर तकरीबन ये इस पोजीशन पे आके लगभग इसी फ्रेम का हो जाए, ठीक है? ऐसे है ना। तो फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, अब इसी की को कंटिन्यू मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ पिछले कई सेकंड्स के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो एनिमेशन है वो पूरी तक फॉलो हो। फ्रेंड्स, मैं चाहूँ तो अभी यहाँ पर लूप लगाकर मैं इस एनिमेशन को बिना किसी कीज़ की कॉपी किए हुए भी लगातार एनिमेट करवा सकता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आपको जब वो लूप एक्सप्रेशन की क्लास में बताऊँगा तभी मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए अभी के लिए मैं की कॉपी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स? अब आप देखिए, ये मेरा नॉर्मल ट्विंकल हो रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने स्केल पर की लगा के इसको एनिमेट तो कर दिया। अब आप मुझे बताइए, मैं चाहता हूँ कि ये स्टार सब जगह पर ब्लिंक करे, तो आप क्या करते हो? आप इसकी कंट्रोल डी कॉपी करोगे, यहाँ रखोगे, कुछ ऐसा करोगे? लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको टॉगल होल्ड की फ्रेम का यूज़ बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर पोजीशन पे एक की लगाया, फिर एक सेकंड के बाद मुझे यही स्टार यहाँ दिखे, फिर यही दो सेकंड के बाद ये स्टार यहाँ दिखे, फिर यही तीन सेकंड के बाद यही स्टार यहाँ दिखे, और फोर सेकंड पे ये स्टार यहाँ दिखे, और 5 सेकंड पे ये स्टार यहाँ दिखे, और 6 सेकंड पे ये स्टार यहाँ दिखे, और 7 पे यहाँ कर देता हूँ, और फाइनली 8 पे ये यहाँ दिखे। अब फ्रेंड्स आप देखो, जब मैंने इस पे पोजीशन की लगाई है तो यहाँ पर आप नोटिस करना कि यहाँ पर पहला की फ्रेम है, दूसरे की फ्रेम में ये इतने टाइम डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है जो कि समय ये है, ठीक है फ्रेंड्स? ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये ट्रैवलिंग है इसकी, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसकी डिस्टेंस जो है वो ये है। फ्रेंड्स, वो अपना स्केल का जो एनिमेशन कीज़ है वो तो काम कर ही रहा है, साथ साथ पोजिशन भी ये चल रहा है। फिर आप इसके बाद यहाँ पर दिखेगा तो ये भी ट्रैवल कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो कुछ एनिमेशन ऐसा दिखेगा, लेकिन ये पोजीशन की के हिसाब से सही है, लेकिन हमें कुछ ऐसा एनिमेशन नहीं चाहिए था। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आज आप इस चीज़ को समझ लेना। फ्रेंड्स, जब हम पोजीशन कीज लगाते हैं, मैंने पहले क्लास में भी आपको बताया है कि कोई भी चीज़ जब ट्रैवल करती है ना, जैसे मान लो इन दोनों कीज़ के बारे में बात की जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक के ट्रैवल करने के दौरान ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे डॉट्स जो रास्ते में दिख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये सफ़र तय कर रहा है, और इन डॉट्स के बीच में जितनी डिस्टेंस कम होगी आप समझना कि उतना ही समय इसके लिए कम होगा और ये जल्दी ट्रैवल करेगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो अभी हम क्या करते हैं, ये मैं डॉट्स वाला आपको क्यों बताया या अभी आपको पता चल जाएगा। इस पर राइट क्लिक करेंगे सारी कीज़ को सिलेक्ट करके, फ्रेंड्स देखिए, किसी एक की पे भी करेंगे, और हाँ एक शॉर्टकट की बताता हूँ, कंट्रोल अल्ट और एच, इससे भी आप टॉगल कर सकते हैं, ठीक है? और राइट क्लिक
करके यहाँ पर पूरी कीज को सिलेक्ट करके या फिर किसी एक की को भी सिलेक्ट करके आप उस पर जब किसी पे क्लिक करके राइट क्लिक करोगे तो टॉगल होल्ड की फ्रेम करने के बाद देखिए दोस्तों ये सारी कीज जो है ना वो टॉगल होल्ड की फ्रेम में बदल गए। तो टॉगल होल्ड की फ्रेम का जो पहचान है वो ये है। अब आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे मैंने टॉगल होल्ड की फ्रेम करा है ये पहला की है और ये दूसरा की है। फ्रेंड्स इन दोनों के बीच में, बस मुझे आप इतना बताओ, इन दोनों के बीच में आपको कोई डिस्टेंस दिख रहा है? फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी ट्रेवलेंस नहीं है, कहने का मतलब है कि ये यहाँ से उठेगा और सीधे यहाँ पहुँचेगा, मतलब जो बीच का जो रास्ता है वो आपको दिखाई तक नहीं देगा। यही टॉगल होल्ड की फ्रेम का काम है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ अभी आपको प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, देख रहे हैं फ्रेंड्स, मतलब कोई आपको वहाँ पर कोई डिस्टेंस नहीं है और ये आराम से, अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये है कि मेरा काम था आपको एट्रीब्यूट्स बताना, ये जानना ज़रूरी है। अब इनका यूज़ कहाँ पर करना है, किस तरह के हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर मैं रहूँगा तो ये काम करने के बाद मैं इसकी एक कॉपी बना के मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं कुछ देर के बाद इसकी टाइमिंग को छेड़ दूँ। अब आप देखिए कि ढेर सारे हो जाएंगे और अपने अपनी जगह पर वो अलग अलग जगह पर आएंगे। इसको और भी ज़्यादा वो करना है तो मैं एक कॉपी की और लगा के मैं यहाँ पर भी इसके साथ खेल सकता हूँ, तो मेरे पास ढेर सारा हो जाएगा। अब आप देखिए फ्रेंड्स इसको, है ना फ्रेंड्स, आप इसमें एक काम कर सकते हैं, सारे पोजीशन कीज को पकड़ के आप इनकी डिस्टेंस के भी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि आपको सब ही दिखाई दे, कोई एक ना रह जाए। ठीक है, बेसिकली ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स तरीका, लेकिन मेन टॉगल होल्ड की फ्रेम देखना है आपको। देखिए सबको मैंने अलग अलग जगह पर कर दिया, अब कितने सारे हो गए। तो फ्रेंड्स आज आप यही समझ लो कि जो टॉगल होल्ड की फ्रेम का काम है उसका एक हिंदी में आप यही समझो कि उसका बस काम यही है कि वो जो बीच के जो डिस्टेंस होते हैं कीज़ के उसको वो टॉगल कर देता है। मैं इनको कुछ देर के लिए बंद कर रहा हूँ, एक नॉर्मल सा सर्कल लेके भी आपको बताऊँगा कि टॉगल होल्ड की फ्रेम सिर्फ पोजिशन पर नहीं हर जगह पर काम करता है। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक सर्कल लिया, ठीक है, एक सर्कल ले लिया, ये राइट सर्कल नहीं बना है बट कोई बात नहीं। देखिए फ्रेंड्स ये बन गया। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर एक स्केल लगाया, ठीक है, 15 सेकंड पे यही सर्कल इतना बड़ा होगा और कुछ देर के बाद ये सर्कल बिल्कुल छोटा हो जाएगा और वापस ये फिर उतना ही बड़ा हो जाएगा। फ्रेंड्स अब आप नोटिस कीजिएगा कि जब मैं इस पर ईज एंड ईज डालूँगा, मैं प्ले कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आपको बिल्कुल एनिमेट होता दिखा रहा है। कहने का मतलब है कि जब इस की पीस की वैल्यू इतनी थी तो इस की पीस की वैल्यू इतनी होने के लिए जो बीच का जो सफ़र था वो आपको दिख रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको टॉगल होल्ड की फ्रेम करूँगा फ्रेंड्स, आप नोटिस करना कि इस की पे जो वैल्यू थी वो वैल्यू यहाँ दिखेगी, इस की पे उसकी वैल्यू दिखेगी, इस की पे उसकी वैल्यू दिखेगी, इस की पे उसकी वैल्यू दिखेगी। कहने का मतलब कि बीच का जो रास्ता है टॉगल होल्ड की फ्रेम फ्रेंड्स होल्ड कर देता है वो उस चीज़ को, बीच का रास्ता हमें नहीं दिखता। फ्रेंड्स आप कहोगे कि इसकी ज़रूरत क्या है, लेकिन अब आप इस चीज़ को समझ लेना कि जब आप कभी काम करने लग जाओगे या किसी तरह का प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा, करते करते समझ में आएगा कि इन सब चीज़ों का कहाँ पर यूज़ है। फ्रेंड्स इसके सारे एट्रीब्यूट्स के डिफरेंट डिफरेंट यूजेज हैं, आपको सारे एट्रीब्यूट्स सीखने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये कुछ अब ऐसा दिखेगा। देखिए फ्रेंड्स अब आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि क्या यूज़ है इसका, है ना, अजीब तो लग रहा है ना। चाहे तो हम इसका डिस्टेंस दे, लेकिन कभी सोच लीजिए कुछ ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो हम, जैसे स्टॉप मोशन बना रहे हो, तो सोचिए फ्रेंड्स इसका कितना काम है, ये एक अलग ही फील देता है। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में टॉगल होल्ड की फ्रेम के बारे में इतना ही था, छोटी सी क्लास थी बट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल एट्रीब्यूट आपको बताना था इसलिए मैंने बताया। प्लीज़ फ्रेंड अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आगे इस तरह के वीडियोस लाता रहूँगा। फ्रेंड्स मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स मुझसे रोज़ कंप्लेन कर रहे हैं कि सर आप रोज़ क्लासेस डालिए या हफ्ते में 3 दिन तो डालिए डालिए। तो फ्रेंड्स देखो आप मेरे चैनल पर चेक करो, मैं रेगुलर ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए जितना से जितना हो सके मैं वीडियोज़ डालते रहूँ, ताकि आप लोग इस सीखने की कैपेसिटी कमें ना और आप लोग सीखते जाएँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।